हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हेल्दी? ओके स्टूडेंट्स, आज आप मुझे एक बात बताएं। आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा टॉपिक सेट के बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कई बार क्या देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, वरना मैं ये कर लेती, वरना मैं वो कर लेती, मेरे पास तो इतना पैसा होता तो मैं यहाँ वो कोर्स कर सकती थी, मेरे पास ये सुविधाएं होती तो मैं वो कोर्स कर सकता था। लेकिन आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे सफल लोग हैं जिनके पास मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, और उसके बावजूद भी वो एक सफल बिजनेसमैन है, सफल इंजीनियर है, सफल टीचर है। बहुत सारे लोग हम अपने आसपास ऐसे देखते हैं जो बिना रिसोर्सेज के भी सफल हो जाते हैं। और ये तो हुई मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज की बात कि वो बिना भौतिक संसाधनों के भी सफल हुए हैं, लेकिन इतने लोगों में से कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो फिजिकली इनकैपेबल हैं, शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में अपने आप में अपना नाम किया है। उस फील्ड विशेष में अपने आप को उन्होंने एक शाइनिंग स्टार बनाकर रख दिया है। मान लो, क्या कोई आप किसी ऐसे आदमी की, किसी ऐसी लड़की की इमेजिनेशन कर सकते हैं जो सुन ना सकती हो और उसके बावजूद भी वो म्यूजिक के फील्ड में उसने मास्टरी हासिल की हो? क्या सोच सकते हैं आप ऐसी बातें? अब आप ये सोचने लगे होंगे क्या मैम को क्या हो गया है, लेसन से हटकर ये मोटिवेशनल बातें क्यों? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो इसी के ऊपर बेस है कि एक फिजिकली इनकैपेबल लड़की जिसका नाम है एवेलिन ग्लैनी, फिजिकल इनकैपेबल कैसे है कि वो पूरी तरह से एक डीफ लड़की है, पूरी तरह से बहरी लड़की है, और उसके बावजूद भी वो 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसे मास्टरी हासिल है, और स्कॉटलैंड की वो लड़की है, उसके बावजूद वो स्कॉटिश लैंग्वेज तो फ्लुएंटली बोलती है, उसके बावजूद फ्रेंच और जैपनीज लैंग्वेज को भी वो बहुत अच्छे से बोल लेती है। तो स्टूडेंट्स, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि उस लड़की ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना डिटरमिनेशन उसका रहा होगा कि उसने म्यूजिक के फील्ड में, जो लड़की बिल्कुल नहीं सुन सकती हो, उसने म्यूजिक के फील्ड में मास्टरी हासिल की हो, और अपने लिए 16 इयर्स की एज में, 16 वर्ष की आयु में ही जिसने अपने लिए नाम कमाया हो, वर्ल्ड वाइड मैप पे अपना नाम बना लिया हो। तो आइए स्टूडेंट्स, इस लेसन से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो आप सबके लिए इस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत आपके लिए वो बन सकती है, वो लड़की एवेलिन ग्लैनी। तो आइए इस लेसन को स्टडी करते हैं और एवेलिन ग्लैनी से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस लेसन में उसने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या उसका डिटर्मिनेशन रहा। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड मीन्स आवाज, म्यूजिक मीन्स संगीत, संगीत की आवाज। इसके जो राइटर हैं वो डेबोरे हैं, और डेबोरे ने उस लड़की के बारे में फिक्स डिटेल में आपको इस लेसन में बताया है। एवेलिन, आप इसका फर्स्ट लाइन भी पढ़ सकते हैं, एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवेलिन ग्लैनी आवाज को सुनती है और बिना सुने ही। इस पूरे सेंटेंस में को आपको समझने की जरूरत है कि बिना सुने ही सुनती है, यानी कि वो म्यूजिक को महसूस करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। रस आर क्राउड्स टू सेल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस आर मीन्स होता है व्यस्त समय, क्राउड्स मीन्स भीड़, जोसल मीन्स है धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन जगह लेने के लिए, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड आपने देखे होंगे जो जमीन के नीचे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो रेलवे के प्लेट, अंडरग्राउंड रेलवे के प्लेटफॉर्म पर व्यस्त समय में भीड़ अपनी जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर, युवा दिख रही है, देन हर 17 इयर्स, कितनी एज है उसकी, 17 वर्ष की है, लेकिन उससे भी यंगर, उससे भी छोटी दिख रही है, वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी रोमांचित थी, एज शी फेल्ट, क्योंकि वो महसूस कर रही थी, वाइब्रेशन,
हलचल को, द अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स है आगे बढ़ती हुई। एक हल्की सी, एक पतली सी लड़की जो 17 वर्ष की थी लेकिन उससे भी ज्यादा युवा लग रही थी, वो घबराई हुई थी लेकिन फिर भी रोमांचित थी क्योंकि आती हुई ट्रेन की जो हलचल थी वो उसे महसूस हो रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स सम्मानित, और ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की एक अकेडमी है उसका नाम है, इन लंडन, और ये कहां पर है, लंडन में। वो लंदन में संगीत की जो सम्मानित रॉयल अकेडमी है उसमें उसका पहला दिन है। एंड डोंटिंग एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त, डोंटिंग घबराई हुई है, फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर मीन्स 13 से 18 साल तक की जो एज होती है वो टीन एज होती है, तो यानी कि वो युवा है, फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड की है, तो एक स्कॉटिश, स्कॉटलैंड की जमीन से किसी भी युवा के लिए वो किसी भी युवा की तरह से वो पर्याप्त घबराई हुई है। इस लंदन में सम्मानित म्यूजिक की सम्मानित रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन है, और स्कॉटलैंड की जमीन से किसी भी युवा की तरह से वो पर्याप्त घबराई हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, एस्पायरिंग मीन्स है लगनशील, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार, बिगर चैलेंज, काफी बड़ी चुनौती, देन मोस्ट, बहुत से लोगों की अपेक्षा। लेकिन इस लगनशील संगीतकार ने, कौन, एवेलिन ग्लेनी, लेकिन इस लगनशील संगीतकार ने बहुत से लोगों की अपेक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया है, और वो चुनौती क्या है, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली पूरी तरह से, डीप मीन्स बहरी, वो पूरी तरह से बहरी थी। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और एवेलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग, जो सुनने में कमी आई थी वो ग्रेजुअल धीरे धीरे आई थी। एवेलिन ग्लेनी की सुनने में कमी धीरे धीरे आई थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और उसकी माता को रिमेम्बर्स याद है, उसकी माता को ये याद है, नोटिसिंग देखना शुरू करना, समथिंग कुछ रॉन्ग, गलत है, यानी जब वो 8 साल की थी एवेलिन, तो उसकी माता को याद है कि उसने ये महसूस करना शुरू किया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो 8 साल की थी और वो पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसकी माता को लगा कि उसके साथ कुछ गलत है। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसे बुलाया था, एंड शी डिड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं हिली थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड सिंस इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कौन है, एवेलिन ग्लेनी की मदर। वो कहती हैं कि सडनली, अचानक, रियलाइज महसूस करना, कि मैंने ये अचानक महसूस किया था कि शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने मेरी आवाज को नहीं सुना है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, फॉर क्वाइट अ व्हाइल, कुछ समय तक एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील, कंसील मीन छिपाना, ग्रोइंग डीफनेस, बढ़ती हुई बहरेपन को। कुछ समय तक तो एवेलिन ने अपने मित्रों से और अपने टीचर से अपने बहरेपन को छिपा लिया, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो स्पेशलिस्ट मीन्स विशेषज्ञ, लेकिन उस समय तक जब वो 11 साल की हुई तो डिटोरिएटेड मीन्स है पूरी तरह से खराब हो जाना, तो उस समय तक जब वो 11 साल की हुई तो उसके नंबर, उसके जो अंक थे परीक्षाओं में, वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रिंसिपल थी, उसकी जो मुख्य अध्यापिका थी, अर्ज मीन्स प्रार्थना करना, उसने उसके माता पिता से प्रार्थना की कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, देन डिस्कवर्ड, और तभी ये पता लगा कि उसकी सेवरली पूरी तरह से इम्पेयर्ड, खत्म हो चुकी थी। रिजल्ट, परिणाम होना, और ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व डैमेज, नसों का नष्ट हो जाना, और तभी ये पता चला था कि धीरे धीरे उसकी नसों के नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप ही उसका सुनने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीप, एडवाइज, सलाह दिया जाना, उन्हें सलाह दी गई कि फिटेड
कि उसे लगा दिए जाएं हियरिंग एड्स सुनने के यंत्र। उन्हें सलाह दी गई कि उसे सुनने वाले यंत्र उसके कानों में लगा दिए जाएं एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के लिए एक स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है कि सडनली अचानक, कि मुझे अचानक सब कुछ अंधेरा दिखने लगा था। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।